शिमला के शोघी पंचायत के गोरो कनावन वार्ड के धावन गांव में शॉर्ट सर्किट होने से दो मंजिला मकान जलकर खाक हो गया। मकान के मालिक नेमराम और तुर्का सिंह ने शॉर्ट सर्किट होने से आग लगने का कारण बताया। गनीमत रही कि आगजनी में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। पीड़ित का कहना है कि समय रहते परिवार के सभी लोग बाहर आ गए और मवेशियों को भी बाहर निकाल लिया गया, लेकिन भयंकर आग के चलते अपने कीमती सामान को घर से बाहर नहीं निकाल पाए। पीड़ित का कहना है कि सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और आस पड़ोस के बाकी घरों को चपेट में आने से बचा लिया। फिलहाल प्रशासन की तरफ से पीड़ित को फौरी राहत के तौर पर 15,000 की राशि दे दी गई है। पीड़ित नेकराम और दुर्गा सिंह ने सरकार और प्रशासन से नुकसान का आकलन कर पर्याप्त मुआवजे की मांग की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।